अगर आप कभी स्वीडन आ रहे हो ना, तो कोई भी चीज़ प्लान जब करोगे तो गूगल में जो फोरकास्ट दिखाता है ना वेदर का, वो देख के कभी मत करना। हम लोग कल रात को सो गए ये प्लान करके कि आज जो है प्रेसिपिटेशन, जो बारिश का चांसेस, वो 95% दिखा रहा था, और आज वेदर कुछ इस तरह है। हम लोग लेट उठे, हम लोग आज जा रहे हैं एक ये सब्जी मंडी नहीं होती इंडिया में जैसे, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली ग्रोसरीज कहाँ करते हैं, जैसे जो स्टोर्स वगैरह, मैंने एक वीडियो बनाया था जो चार पांच स्टोर्स है वहाँ, लेकिन आज जा रहे हैं एक सब्जी मंडी, लोकल स्टोर। बट वहाँ पे ऐसे बार्गेनिंग तो होता नहीं है, लेकिन मैं दिखाता हूँ कैसा होता है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। और उस जगह का नाम है, मतलब हम लोग जो बोलते हैं वो है केवी बर्ग, बट यहाँ के लोग बोलते हैं उसको वीबेरी। जो यहाँ पे आर जी होता है ना एंड में, तो वो ई हो जाता है, री जैसे। ओह 25 मिनट आ गई। भाई यहाँ पे तो कैनोइंग चल रही है और काफी भीड़ है। आसमान भी काफी क्लियर है। तो भाई यहाँ से स्टार्ट हो गया है मार्केट, तो हम लोग अभी अंदर जाएंगे। तो आज जो है मौसम काफ़ी अच्छा है, तो और विदाउट जैकेट भी हमको अच्छा लग रहा है, चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, मतलब ज़्यादा विंडी नहीं है। भाई बहुत बुरा कट गया हमारा, और ये शॉप पूरी की पूरी क्लोज है आज, आज पूरी की पूरी बंद है। पता नहीं, मतलब गूगल में दिखा तो रहा था कि जो टाइम है वो डिफर कर सकता है ड्यू टू सम रीज़न, बट पूरा बंद है यार। ये वाला पूरा खुला रहता है, ये बाहर भी पूरा रहते हैं सारे स्टोर। स्टॉल नंबर 11 लिखा, पता नहीं पूछ। तो अभी हम लोग फिर यहाँ से निकल रहे हैं, और जो टिकट करते हैं ना हम लोग यहाँ पे, तो वो 90 मिनट तक वैलिड रहता है। हमारे पास अब अभी 40 मिनट बचा है, तो हमें जल्दी जल्दी से जाके घर तक पहुंचना है। तो भाई अभी थोड़ा आए हम लोग फेरी में, हम लोग थोड़ा ट्रैवल कर रहे हैं। अभी आए थे हम लोग एक्चुअली खाने के लिए, यहाँ पे एक ब्रूडॉग करके रेस्टोरेंट था, वहाँ पे 140 क्रोना में अनलिमिटेड चिकन विंग्स मिल रहा था। हम लोग का एक कॉम्पिटिशन चल रहा था, मैं सोचा था कि शूट करूँगा, बट वहाँ पे इतना अंधेरा था कुछ हुआ नहीं, तो ठीक है। अभी नेक्स्ट, अभी आज जो भी डेट है, नेक्स्ट सैटरडे नया वीडियो आएगा जिसमें हम लोग जा रहे हैं एक लोकल मार्केट यहाँ का। तो लास्ट टाइम गए थे, अभी वीडियो तो देख लिया होगा, तो ये इन बिटवीन दोज डेज या मन किया तो ये शूट कर लिया था। तो यहाँ पे जो मैंने बताया था कि ट्रैवल कार्ड रहता है, तो उसमें बस, ट्रैम और ये फेरी वगैरह में फ्री रहता है। तो अगर आपके पास मंथली कार्ड है या फिर आप एक दिन का कर रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड, इट्स अ गुड थिंग। यहाँ पे आके थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो भाई गुड मॉर्निंग एवरी वन, आज है अटेम्प्ट नंबर 2 वो वहाँ जाने का, वो जो ग्रॉसरी जो मार्केट है, लोकल मार्केट। चलो देखते हैं आज खुला है कि नहीं, बट आज तो क्लियर दिख रहा था खुला है, लेट्स सी। तो भाई यकीन नहीं करोगे, आज भी ये शॉप क्लोज है, और बट हाँ ये मार्केट पूरा क्लोज है। और हमने सोचा था कि आज खुला हो, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे लिखा था कि टेंटेटिव है, 9 to 3 खुला रहता है, बट टेंटेटिव था, बट आज तो पूरा कुछ था भी नहीं, बट इट्स क्लोज, और बोल रहे नेक्स्ट वीक।
तो यहाँ पे मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है बड़ा सा, तो यहाँ पे बहुत सारे ग्राउंड्स है क्रिकेट के, फुटबॉल के, मतलब क्रिकेट के तो है नहीं, उसको क्रिकेट में कन्वर्ट किया गया है, मतलब बच्चे खेलते, बच्चे मतलब खेलते हैं लोग, लेकिन फुटबॉल का है, देन बीच वॉलीबॉल, मतलब वॉलीबॉल का है, लोग खेलते, मैं दिखाऊंगा, क्योंकि आज हमारा प्लान था कि वो मार्केट दिखाने का, बट वो तो हुआ नहीं, तो सोच रहे हैं कि ऐसा थोड़ा यहाँ पे जो है जो जो चीज़ दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे एक बड़ा सा कुछ है सेंटर, काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे जो ग्राउंड्स है ना वहाँ पे वो लेदर बॉल, जो क्रिकेट बॉल होता है एक्चुअल में, वो टेनिस बॉल वाला नहीं, लेदर बॉल वाला जो है मैच होता है, और यहाँ पे आप 1200 क्रोना दे के पार्ट ऑफ टीम हो सकते हो, कैन बी अ पार्ट ऑफ टीम, और उसके बाद खेल सकते हो, वीकेंड्स में मैच होता रहता है। तो मैं जो बोल रहा था बीच वॉलीबॉल, यहाँ पे देखो बीच सेंटर कुजीन, वहाँ पे कुछ, तो वहाँ पे लोग खेल रहे हैं वॉलीबॉल। अभी समर एक्चुअली, मतलब टेम्परेचर बहुत बढ़िया है अभी, मतलब 18-19 डिग्री है, तो खेलने में भी मज़ा आता है। तो लास्ट टाइम भी हम लोग आए थे, मैं आया था इस ग्राउंड में, इसी ग्राउंड में खेलने के लिए हमारा मैच था, सेमीफाइनल ये आई थी उस दिन, शी हैज़ अराइव्ड करके एक वीडियो वो देख सकते हो, मैंने इतना कुछ शूट नहीं किया था, बट मज़ा आ रहा था यहाँ पे खेलने के लिए, काफ़ी मज़ा आता है। जहाँ मैं जाता हूँ वो टेनिस बॉल मैच खेलने के लिए, वो इतना अच्छा नहीं है, मतलब यहाँ पे प्रॉपर ग्रास है, तो वो बहुत सही लगता है। तो हम लोग थोड़ा यहाँ पे वो सब किए बच्चों की तरह, वो नहीं कर पाए, मेरे शोल्डर में पेन था काफ़ी, इसलिए नहीं हो पाया, बट मज़ा आता है वो सब करने के लिए। अभी और तो कुछ यहाँ पे है नहीं, क्या करें, चले यहाँ पे बैठते हैं, धूप सेकते हैं, फिर चलते हैं। ठीक है, समर में यहाँ पे आना बहुत सही है, मतलब ये बहुत ही बहुत साइलेंस है यहाँ पे, और मज़ा आएगा, धूप भी अच्छी है और खुला आसमान है, तो बैठ के थोड़ा, मतलब इतना भीड़ भी नहीं है, तो वो कोविड का भी टेंशन नहीं है, मतलब कोरोना का टेंशन इतना है नहीं, तो बस ट्रैवल करने के टाइम ऑब्वियसली मास्क यूज़ करना, बट बाकी वीकेंड्स पे यहाँ पे मस्ट है। ओके, मतलब वहाँ ब्रुंस पार्क के एरिया में तो भीड़ रहती है बहुत, बट यहाँ पे बहुत ही सुनसान है। सुनसान का मतलब ऐसा नहीं कि अनसेफ है, इट्स सेफ, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी कॉमन। और सॉरी यार, आज जो वीडियो प्लान था कि यहाँ पे वो लोकल मार्केट दिखाने का, वो तो बंद है, लास्ट वीक भी हम लोग आए थे, बंद था, आपने देखा, तो अभी पता नहीं नेक्स्ट वीक नहीं आएंगे, क्योंकि फिर से बंद होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो थोड़े दिन के बाद आएंगे, और मैं एक वीडियो लाऊंगा यहाँ पे मे बी टुमारो और नेक्स्ट वीक, कि हाउ टू गेट जॉब इन स्वीडन, जहाँ पे मैं एक मेरे एक फ्रेंड है जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर है, वो यहाँ पे आ चुके हैं, तो उनके साथ एक वीडियो बनाऊंगा, सो दैट यू गाइज विल नो कि हाउ टू गेट अ जॉब एंड हाउ टू अप्लाई एंड ऑल, सो वो एक वीडियो ज़रूर देखना।